गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकालिए और पाठ 16 खोल लीजिए। तो व्याकरण की बुक निकाल लिए, पाठ 16 खोल लीजिए। पाठ 16 है चित्र वर्णन। चित्र देखिए, यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है, चित्र बना हुआ है। अब इसको वर्णन करना है, इसके बारे में आपको बताना है कि कहाँ पे है, किस जगह की चित्र है, इसमें क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। समुद्र किनारे का दृश्य, समुद्र के किनारे का दृश्य है, तो इसमें आपको इसको अपने से वर्णन करना है अपनी भाषा में। जैसा नीचे दिया हुआ है, चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चित्र को देखना, इसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। आप इसे चाहे जैसे शब्द में किया है, जैसे नीचे लिखा हुआ है कुछ वाक्य अब शब्दों में, तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। समुद्र का किनारा है, देखिए कहाँ का किनारा है, समुद्र का किनारा है। और समुद्र में क्या चल रही है, नाव चल रही है। तो नीचे लिखा हुआ है, समुद्र में नावें चल रही हैं। दो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, दो बच्चे हैं गेंद से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गुब्बारे वाले के पास एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा कहाँ खड़ा है बच्चों, गुब्बारे वाले के पास, जो गुब्बारा बेच रहा है वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। रिया और रजत आइसक्रीम खरीद रहे हैं, रिया और रजत कहाँ हैं, ये देखिए बच्चों, रिया और रजत आइसक्रीम खरीद रहे हैं। कुछ लोग ऊंट गाड़ी पर सवारी कर रहे हैं, अब यहाँ कहीं ऊंट पे सवारी करते कुछ लोग दिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो पिक्चर में कहाँ है बच्चों, ध्यान से देखो, ये देखो दिखा, ऊंट पर सवारी कर रहे हैं ना कुछ लोग ऊंट पे सवारी कर रहे हैं, दिखा बच्चों, ये देखो। चलिए अब नीचे आए, सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, सूरज कैसा दिखाई दे रहा है, डूबता हुआ। सूरज कहाँ है बच्चों, ये देखो सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र की उठती लहरें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, समुद्र की उठती लहरें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। देखिए समुद्र की लहरें उठ रही हैं, ये देखिए जो लहरें दिखाई दे रहे हैं, समुद्र की जो लहरें उठती हैं बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। कुछ बच्चे रेत पर बालू से घर बना रहे हैं, तो बच्चे घर कहाँ बना रहे हैं, बालू से, रेत की बालू से घर बना रहे हैं, ये देखो दो बच्चे घर बना रहे हैं बालू से, कितना सुंदर है। तो ये चित्र को ध्यान से देखिए और इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ किया गया है, इस तरह से आप भी इसे पढ़िएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, इसका अभ्यास है। चित्र देखकर संकेतों के आधार पर अपने शब्दों में उसका वर्णन कीजिए। यहाँ चित्र बना हुआ है, इसको अपने शब्दों में वर्णन करना है आपको। देख के नीचे लिखा हुआ है, एक दिन आदित्य की माँ आइसक्रीम लाई, यहाँ देखिए खाली जगह था तो यहाँ क्या है, उसकी माँ क्या लेके आई, आदित्य की माँ आइसक्रीम। एक दिन आदित्य की माँ आइसक्रीम लाई, क्या लाई, आइसक्रीम। आइसक्रीम फ्रिज में रखकर माँ कहाँ चली गई, बाहर चली गई। माँ आइसक्रीम को कहाँ रख रही हैं, फ्रिज में रखकर कहाँ चली गई, बाहर चली गई। आपकी मम्मी भी कुछ सामान रख के बाहर चली जाती है ना। आदित्य का खाली जगह किसी काम में नहीं लग रहा था, तो आदित्य का मन किसी काम में नहीं लग रहा था, तो यहाँ मन होगा बच्चों, जल्दी लिखिए। उसने खोला, क्या खोला, फ्रिज, उसने फ्रिज खोला और सारी आइसक्रीम खाली। लिख लिए बच्चों, बाजार से लौटने पर फ्रिज में आइसक्रीम नहीं मिली,
तो माँ ने पूछा, माँ ने किससे पूछा, आदित्य से। आदित्य गर्दन झुकाकर बोला, माँ आइसक्रीम तो पिघल गई। गर्दन ने क्या झुकाकर यहाँ बोला ना, आदित्य झुकाकर बोला, तो क्या झुकाकर बोला, आदित्य का क्या झुका हुआ है, सर या गर्दन। गर्दन ऐसे झुकाकर बोला, माँ आइसक्रीम तो पिघल गई। तो इस तरह से आपको अपने बुक में इसे करना है, मैंने कर बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।